नहीं देखिए, इशू तो बहुत सारे थे, डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे इशू थे। उसमें विशेष रूप से कुछ महामंडलों का भाग भांडवल भी बढ़ाने की बात थी, उसमें भी बढ़ाया गया है। कोई महामंडल का 1000 करोड़ तक से 500 करोड़, 1000 करोड़ विषय, और ओबीसी के हमारे विभाग के 22 सिफारिशी ओबीसी लोगों के लिए हमने लाई थी, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट के वो सिफारिश थे, उसके ऊपर चर्चा हुई, और सब विषय 22 विषय में से जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कुछ सामान्य प्रशासन विभाग है, कुछ हमारे डिपार्टमेंट से है, और ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट से जो 22 हमारे ओबीसी के हित के लिए जो छगन भुजबल जी के नेतृत्व में, भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जो एक समिति बनाई थी, उसमें मैं हूँ और भुजबल साहब आवाड़ जी है, मुंडे जी है, वो समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए कैबिनेट के सामने आज रखा था, और आज कैबिनेट ने यह कहा कि अगली बार ये सब जो जो विभाग है उन्होंने जैसा कि 72 हॉस्टल ओबीसी के खुलना है, उसमें साथ में ओबीसी के लिए महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले घरकुल योजना है, ये सब सावित्री ताई के नाम से, सावित्रीबाई के नाम से है, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से घरकुल योजना है, और विषय ऐसे ऐसे 22 सब्जेक्ट थे, वो सब वो डिपार्टमेंट जल्दी ही कैबिनेट के सामने अगले कैबिनेट तक लाए गए, और ओबीसी के हित के बारे में ये सारे निर्णय होंगे। सर, राज्य निर्वाचन आयोग ने